एचडीएफसी स्टॉक क्यों नहीं अच्छा रिजल्ट अच्छा रिटर्न दे रहा है इन स्पाइट ऑफ कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, एक बैड क्वार्टर नहीं है फिर भी पी डी रेटिंग क्यों हो रही है? देखो इंडिया में एक मुसीबत है, जब दो कंपनी मर्जर करने जाते हैं ना तो मतलब ये ऐसा होता है कि बाकी कुछ नहीं होता, स्टॉक वहीं का वहीं रह जाता है, बिकॉज जिसको लेना है वो वेट करता है, जिसको बेचना है वो बेच देता है, बोलता है मर्जर के बाद देखेंगे। तो एचडीएफसी का जब मर्जर हो जाएगा मुझे लगता है उसके बाद ये स्टॉक फिर भी जाके आगे बढ़ेगा, बट फॉर द मोमेंट ये बहुत सस्ता हो गया है, 2.5 times प्राइस टू बुक मिल गया है, लेकिन ये चलेगा कब मुझे पता नहीं। प्लस रही सही इसको मॉर्गन स्टैनली और कभी मार पड़ गई जिसको इसको अंडरवेट कर दिया, इसको वेटेज कम कर दिया और वहां से इसकी भी सेलिंग आई थोड़ी, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से भी आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक थोड़ा ठंडा टाइप स्टॉक ही है, और प्लस अब इन्वेस्टर के पैसे के लिए एक आईसीआईसीआई बैंक मिल गया जो इक्वली फास्ट बढ़ रहा है, तो वो पैसा जो एचडीएफसी बैंक को एलोकेट होता था वो धीरे धीरे आईसीआईसीआई बैंक की तरफ चला गया।